हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू रोहिणीज़ किचन। आज की जो रेसिपी है वो बिहार की फेमस सत्तू वाली खस्ता लिट्टी, चने आलू की सब्ज़ी और जलेबी की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, नमक, अजवाइन, ये बेकिंग सोडा है, इसमें 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और 2 बड़ी चम्मच दही। इसे हाथों से अच्छे से मिला लें। जब ये अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे और एक इसका टाइट डो रेडी करना है हमें। डो जब रेडी हो जाए तब हम उसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक स्टोन मैशर ले, उसमें 4 से 5 हरी मिर्च, लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले और इसे अच्छे से क्रश कर ले। अब एक बाउल में हम सत्तू डालेंगे 1 कप, अजवाइन, कलौंजी, नमक और जो हमने क्रश किया था वो, 2 बड़ी चम्मच नींबू का रस, सरसों का तेल 1 बड़ी चम्मच, पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे। ये बिल्कुल मुट्ठी में जो है बंधना चाहिए बिल्कुल ऐसे। अब हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 5 फोरन डालेंगे। इसमें मेथी दाना, जीरा, सौंफ, कलौंजी डालकर मैंने रेडी किया था और इसमें हरी मिर्च, 2 तेज़पत्ता और ये आलू ऐसे क्रश कर लेंगे, बॉयल्ड आलू है ये। इसे डाल देंगे तेल में और चलाएंगे। इसे भूनना है हमने आलू को। जब आलू थोड़ा भुन जाए तब हम इसमें नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब देख सकते हो कितने अच्छे से भुन गया है। इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए टमाटर। अब देख सकते हो सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें बॉइल्ड चना मैंने रखा है 1 कप है, उसे डाल देंगे। इसे हम 4 से 5 सेकंड के लिए भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें हम आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे और बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते डाल देंगे हम थोड़े से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब बॉईल होने लगे, ये ऊपर तेल छोड़ने लगे, तो समझ जाओ सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है। हम खस्ता लिट्टी बनाएंगे। छोटी छोटी लोई लेंगे और इसमें जो हमने स्टफिंग सत्तू वाली रेडी की है वो डालेंगे और बिल्कुल से लिट्टी का शेप देना है हमें। आप जितना चपटा इसे करना चाहो आप कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और लो फ्लेम पर लिट्टियों को डाल देंगे हम। लो फ्लेम पे डालने से एक फ़ायदा होता है कि जो लिट्टी है अंदर से भी अच्छे से पक जाती है। आप देख सकते हो कि इसमें क्रैक्स आने लगे हैं और अब हम हाई फ्लेम पे इन्हें गोल्डन ब्राउन करेंगे। बिल्कुल ऐसे लिट्टी जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ये कितनी खस्ता दिख रही है। अब हम जलेबियाँ बनाएंगे। ये इंस्टेंट जलेबी का बैटर है, मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है पहले, आप देख सकते हो जा कर के। इसे अब हम जलेबी मेकर में डालेंगे। चारों तरफ से अच्छे से दबा ले और गर्म तेल में बिल्कुल हाई फ्लेम पे डालेंगे अभी हम। अब जो है फ्लेम को हम लो कर देंगे अच्छे से, इसे उलट पुलट के। अब देख सकते हो ये क्रिस्पी दिखने लगे हैं। अब इसे हम बिल्कुल ठंडे चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डुबाएं और इसे निकाल दें एक प्लेट में। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये प्लेटिंग हो चुकी है बिहार की फेमस लिट्टी, सब्जी और जलेबी की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।